रसदार रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रहा हूँ खिचड़ी। पहले फूलगोभी को आप हल्दी के साथ उबाल के रखिए, फिर एक मसाला तैयार कीजिए। जीरा और राधुनी देखिए ऐसे सूखा पीस के रखिए। कढ़ाई में मूंग दाल को सुनहरा होने तक उसको फ्राई कीजिए। गर्म पानी में दाल को डाल के 50% में उसको पकाइए। फिर दाल का जो ऊपर का झाग है उसको फेंक दीजिए। गोविंदभोग चावल या अरवा चावल दे के उसको दाल के अंदर दे के 90% उसको पका के ढक के रखिए। एक तरफ फिर कढ़ाई में या कोई भी पैन में तेल दीजिए, फूलगोभी दीजिए, नारियल दीजिए, स्वाद अनुसार सेंधा नमक दीजिए, अदरक हल्दी का पेस्ट दीजिए, टमाटर प्यूरी दीजिए और भुना हुआ जो जो मसाला तैयार किए थे जीरा और राधुनी का उसको देके 5 मिनट तक उसको पकाइए। फिर कढ़ाई में घी दीजिए, हरा मिर्चा धनिया पत्ती देके और जो मसाला जो फूलगोभी का वाला दिए थे वाला दीजिए। उबला हुआ दाल चावल देके उसको 2 मिनट तक ढक के रखिए। अगर आपको मेरी खिचड़ी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।